और घर में खाना खाना कार चलाना तो महंगा हो ही गया है, बाहर जाना भी सस्ता नहीं रहा। गर्मियों की छुट्टियों का फायदा उठाने के लिए होटलों ने किराए 20 फीसदी तक बढ़ा दिए हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि सस्ती हवाई यात्रा के चलते आपकी छुट्टी सस्ते में निपट जाएगी तो पहले होटलों के रेट कार्ड पर नजर डालें। पिछले साल नवंबर में रेट बढ़ाने के बाद 5 सितारा होटलों ने किराए फिर बढ़ा दिए हैं। होटल में रहना अब 15 से 20 फीसदी तक महंगा हो गया है। आइए नजर डालते हैं दिल्ली के होटलों के किरायों पर। ली मेरिडियन ने अपने किरायों में करीब 30 से 35 फीसदी की बढ़ोतरी की है, यानी पहले जो कमरा 7,500 रुपए का था वो अब बढ़कर 9,000 रुपए का हो गया है। ओबरॉयस के किरायों में 40 फीसदी तक की बढ़ोतरी के साथ अब कमरे 10,000 रुपए के हो गए हैं। वहीं ताज के किराए 25 फीसदी बढ़ गए हैं, जबकि सबसे ज्यादा पार्क होटल ने बढ़ाया है, जहां किराया 50 फीसदी तक बढ़ा है। लेकिन होटल उद्योग को बढ़े हुए किरायों से भी खुशी नहीं मिली और उन्होंने सितंबर में दामों को 20 फीसदी और बढ़ाने का मन बना लिया है। And now, from 1st of September 2006, we are anticipating another growth or hike in these tariffs. जहां डिमांड बढ़ती है वहां और सप्लाई अकॉर्डिंगली नहीं बढ़ती है तो वो जो डिमांड ओवरटेक्स सप्लाई, एज ए रिजल्ट द रूम रेट्स गो अप। वहीं दूसरी ओर होटलों के किराए बढ़ाए जाने का टूर ऑपरेटर्स ने कड़ा विरोध किया है। उनके अनुसार सरकार इन टूर ऑपरेटरों पर बेईमाने टैक्स पर टैक्स लगाई जा रही है। टूर ऑपरेटरों के अनुसार बड़े बड़े होटलों ने सरकार से पर्यटन को बढ़ावा देने के नाम पर कई तरह की रियायतें ली हैं। एक होटल जिसने करोड़ों रुपए टैक्सों में बचा लिए, गाड़ियों की इम्पोर्ट में पैसे बचा लिए, राइट, उसको वो जो मर्जी चार्ज करे, क्योंकि जब तक भारत सरकार इन होटल लॉबीज को रेगुलेट नहीं करेंगे ये अंधेर नगरी और चौपट राजा का जो राज है ये चलता रहेगा। होटलों के किराए को लेकर किए जा रहे मनमाने रुख से नाराज इन टूर ऑपरेटरों ने सरकार से होटल उद्योग पर लगाम कसने की मांग की है। अनुराग मानखंड, जी बिजनेस, दिल्ली।